हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो आपको पूरी तरह से मोटिवेट करेगा, पूरी तरह से आपको एक नई स्टार्ट देगा। तो मैं आज आपके साथ एक ऐसे 10 सक्सेस टिप्स ऐसे शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा एप्लीकेबल है, बहुत इजीली एप्लीकेबल है। और वो 10 आप सक्सेस टिप्स जो अगर यूज करेंगे अपने लाइफ में, अपने रोजमर्रा की दिन में, तो श्योरली जो भी आपका मोटिव है, जो भी आपका डेस्टिनेशन वर्क या फिर जो भी आपका मतलब जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं, टिल दैट लेवल यू विल श्योरली गो। तो मैं आपको पक्का ऐसे 10 टिप्स पक्का आपसे शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी अभी कि ये कौन से ऐसे टिप्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेंगे और आपको एक अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एक्चुअली ये जो टिप्स है वो जो सद्गुरु हैं उनके बताए हुए टिप्स हैं। इनमें मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैंने एक्चुअली किया है। उनके तो टिप्स मतलब वो बहुत ही ज्यादा मैं क्या बोलूंगी, उसके ऊपर तो हम नहीं जा सकते, बट उसमें मैंने खुद के लिए थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है और इसमें मैंने खुद की थोड़ी बहुत चीजें अप्लाई की हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने के बाद मुझे बहुत ज्यादा इजी लगी, बहुत अच्छी लगी एंड बहुत ही उसको मैंने अच्छे से अप्लाई किया और इतना मुझे हार्ड नहीं लगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें एक चेंज, एक अलग मतलब खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको बोलूंगी कि इट इज अ वेरी गुड थिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अगेन द फर्स्ट स्टेप इज कि आपके अंदर आपकी जो चीज है, आपको जिसे बाहर लाना है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप में किसी भी चीज की खूबियां नहीं है। आपके अंदर ऐसी तो कोई तो भी चीज होगी जिसमें आप बहुत ही अच्छे हो। जैसे लेडीज के बारे में अगर मैं बोलूं जनरली, क्योंकि ये जो मैं वीडियोस बनाती हूँ जनरली लेडीज के लिए ज्यादा एप्लीकेबल रहते, ऐसे कुछ नहीं है, हर एक के लिए है। बट मैं एक एग्जांपल देके बोलूंगी कि अगर कोई लेडी है जिसे कुकिंग की बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे से उसे आती है, वो हर एक चीज बनाती है, लेकिन हम लोग में बोलते हैं कि किसी ने अगर पानी को भी तड़का दे दिया तो पानी भी टेस्टी लगने लगता है। ऐसे अगर किसी औरत के अंदर इतनी अच्छी खूबियां होंगी कुकिंग के लिए, तो मुझे बताइए वो एक खूबी उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है और वो एक खूबी उसको बहुत ज्यादा उसके लिए चैनल्स ओपन कर सकती है, कि चैनल्स इन द सेंस एक वेज ओपन कर सकती है कि उससे वो अपना टिफिन सर्विस कर सकती है, अपना खुद का कुछ बिजनेस कर सकती है, होटल्स में वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बहुत ऐसे अलग अलग चीजें हैं, बहुत वेज होते हैं, बट उसको अपने आप से बाहर लाइए। प्लीज ब्रिंग आउट वट एवर इज विद इन यू, वट एवर इज देयर फॉर वॉट यू हैव, फॉर वॉट यू आर मेड फॉर। तो वो चीज अपने आप से बाहर लाइए। किसी को ड्राइंग में बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी ड्राइंग आती है, किसी को पेंटिंग बहुत अच्छी आती है, किसी को एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छे से करना आता है। सो वट एवर इज देयर इन विद इन यू उसको बाहर लाइए एंड उसको एक्सप्लोर कीजिए। एक्सप्लोर कीजिए मीन्स अगर मैंने आज अपने 5 फ्रेंड्स को वो चीज बताई तो वो और 5 जन 5 और जनों को बताएंगी। सो 5 से 10 10 से 15 ऐसे वो चीजें बढ़ती जाएंगी। सो इससे क्या होगा, वट एवर नॉलेज वट एवर टैलेंट इज देयर इन यू वो अपने आप एक्सप्लोर होगा। तो पहले गिव अ स्टार्ट, पहले अपने आप में अपने विदिन में जो है उसे बाहर लाइए और उसको एक स्टार्ट दीजिए। जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं, जब तक आप लोगों से बोलेंगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर किस चीज की खूबी है। तो ये था मेरे सक्सेस का पहला पॉइंट कि पहले आपको क्या करना है, किस चीज से स्टार्ट करना है। सेकेंड पॉइंट मैं ऐसा बोलूंगी कि अभी आपने स्टार्ट कर दिया, अभी आपने चीज जो भी है वो आपने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, बट आप ऐसा बोलोगे कि हाँ आज मैंने काम किया, कल काम किया, परसों काम किया, बट मुझे कुछ उसके ऊपर मिल नहीं रहा है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैं इसके लिए बोलूंगी कि टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, अपने लाइफ को एक ऐसे कसौटी पे रखिए जिसके ऊपर आपको स्ट्रगल्स, जिसके ऊपर आपको बहुत सारे टेस्ट एग्जाम्स देने ही पड़ेंगे। मुझे बताइए आज आप इतने बड़े हुए हैं, आपने हमेशा हर एक लेवल पे एक एग्जाम दी है एंड आफ्टर दैट यू हैव गॉन टू अ नेक्स्ट लेवल। बच्चा फर्स्ट से सेकंड में भी जाता है ना तो उसे एग्जाम देनी पड़ती है, या फिर 12th से उसको इंजीनियरिंग में भी जाना पड़ता है ना तो उसको एग्जाम देनी पड़ती है। तो मैं बोलूंगी कि अपने अंदर जो भी चीज है अगर आपने उसको बाहर भी लाई है तो अपने लाइफ को उसका चार्ज लीजिए एंड उसके बारे में लोगों को
जानने दीजिए, समझने दीजिए एंड उसके लिए थोड़ा सा वक्त जाने दीजिए एंड उसे एक टाइम दीजिए जो अच्छे से अपने टाइम के साथ वो चीजें फ्लो होंगी एंड इट विल गो ऑन एंड श्योरली एक दिन उसके ऊपर सक्सेस आपको दिखना शुरू जरूर होगा। थोड़े से स्टार्ट होगा बट इट विल स्टार्ट, थोड़े से ही चीज बड़ी होती जाती है। तो उसको स्टार्ट कीजिए एंड प्लीज बीच में गिव अप मत कीजिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट मेरा ऐसा है कि कोई भी चीज है उसे कंटिन्यू करने के लिए ना एक हमें रूटीन लाइफ में रखना पड़ता है। तो अगर आप कोई जॉब में जाते हैं नहीं जाते हैं फिर भी आप उसको कंसिस्टेंट कंटिन्यूटी में उसे करिए, जिससे क्या होगा आपको उसकी आदत लगेगी। अगर आपकी बॉडी को, अगर आपके पूरे रूटीन को उस चीज की अगर आदत लगेगी ना तो वो आपसे छूटेगी नहीं। अगर आप रोज इन चीजों को अप्लाई करेंगे तो वो पक्का श्योर होगी, श्योरली वो होगी। तो बी कंसिस्टेंट एंड हैव कंटिन्यूटी इन योर वर्क। जैसे घर के काम है रोज हमें वो तो करने ही होते हैं, तो उसमें आप ये चीज ऐड कर लीजिए, अपने काम की एक चीज ऐड कर लीजिए एंड बी कंसिस्टेंट इन दैट। उसके लिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसा तो बहुत टाइम है हम गॉसिपिंग में लगा देते हैं, ऐसा बहुत टाइम है हम दूसरों के इसने ऐसा किया उसने वैसा किया ये सब बोलने में चला देते हैं, बट उस टाइम को आप यूज कीजिए एंड उसको वहां पे अप्लाई कीजिए। दिस वॉज माई थर्ड पॉइंट। लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि बहुत काम हो गया है, बहुत हेक्टिक है, तो हमेशा क्या कीजिए, एक काम के फ्लो में हमेशा एक छोटा सा ब्रेक, छोटा सा हॉलीडे ब्रेक भी बनना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, रोज के रूटीन में हम लोग इतने थक जाते हैं, अगर हमने कोई काम करने को ठान लिया तो हम लोग उसके पीछे अगर लग जाए तो मैं मानती हूँ कि उसके पीछे अगर लग जाए तो हम सक्सेस तक पहुंच जाते हैं, बट इस सक्सेस में एक छोटा छोटा ब्रेक हमारे खुद के लिए दे, क्योंकि हमारे तो वो भी इतना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमेशा एक छोटा सा ब्रेक हमें एक चेयरअप करके जाता है और हमें एक न्यू एनर्जी देता है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर बींग इन टू अ सक्सेस और बींग इन टू अ कंटिन्यूटी ऑफ अ वर्क और जो भी आपका मोटिव है। सो लेट्स मूव इन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, कि प्रोड्यूस नाइस मूवीज। मूवीज मतलब प्रोड्यूस नाइस स्टोरीज। एक्चुअली क्या कीजिए, आपने जो भी कुछ अचीव किया है आप खुद के लिए उसे एक अच्छे से एक स्टोरी क्रिएट कीजिए। मैं बोलूंगी ना कि आप खुद का ही जो है गुणगान वो दूसरों के सामने गाते रहिए, जी नहीं, दूसरों के सामने हमें वो गुणगान नहीं गाना है, बट आपने जो अचीव किया है उसे एक स्टोरी में नरेट कीजिए, उसे एक स्टोरी बनाइए। आपने कैसे वो किया, किस तरह से शुरुआत की, कहाँ तक पहुंचे, कितने दिन लगे, क्या क्या करना पड़ा, कि एक स्टोरी आप अगर बनाएंगे ना तो ये आपको बहुत अच्छे से इमेजिन रहेगी और जब भी आप एक नया स्टेप लेने जाएंगे तो आपके माइंड में, आपके दिमाग में वो हमेशा वो चीज चलती रहेगी कि हाँ ये स्टेप से हम लोग गए हैं और इसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ, आज मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ, कर रही हूँ और मुझे ऐसी ही चीज और करनी है, तो इस हिसाब से मुझे ऐसा ही फ्लो में रहना है। तो ये मेरी एक शॉर्ट स्टोरी थी जो मुझे एक स्टार्टिंग अप, एक गियर अप देती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें बनाइए जहां जहां आपकी अचीवमेंट है उसे याद रखने के लिए, उसे मेमोराइज करने के लिए। हर एक अचीवमेंट वो मेमोरी में रहती है बट उसको स्टोरीज में क्रिएट करेंगे तो आपको उसमें काम करने के लिए और बहुत अच्छा एक आनंद मिलेगा। तो एक छोटी छोटी स्टोरीज बनाइए अपने अचीवमेंट की, अपने चीजों की, अपने वर्क की एंड प्लीज उसे एंजॉय कीजिए। उसे एंजॉय करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छा आनंद देगी। नेक्स्ट, मूविंग टू द सिक्स्थ पॉइंट इज, कभी भी अपने आप को दूसरों से या फिर किसी चीज से या फिर किसी व्यक्ति से, किसी भी सिचुएशन से प्लीज कंपेयर मत कीजिए। आपने एक अचीवमेंट ले ली है, नहीं ली है, तो इसमें कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। उसने ले लिया या फिर मैंने ले लिया, उसने नहीं लिया, प्लीज ये कंपैरिजन आप में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो ये आपने किया है तो क्यों किया है, अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई योर सेल्फ, वट हैव यू डन एंड यू हैव नॉट डन, वाई हैव यू नॉट डन दिस, ये आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए एंड इसमें कंपैरिजन बिल्कुल नहीं होगा। वो उसकी अचीवमेंट है, उसका सक्सेस है, उसकी वजह से है, मेरी अचीवमेंट है, मेरा सक्सेस है, मेरी हार्डवर्क की वजह से है, बट मैंने किया है उसने नहीं किया ये भी पॉसिबल नहीं, कंपैरिजन नहीं, या फिर उसने किया है मैंने अब तक किया ही नहीं, नो दैट इज ऑल्सो नॉट एट ऑल गुड।
ये कंपैरिजन छोड़ देंगे तो आप मूव ऑन करेंगे एंड आगे बढ़ते रहेंगे. सो दिस वॉज माई सिक्स पॉइंट विच इज वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट फॉर एवरी वन ओवर देयर. नेक्स्ट वन इज, अगर आपको कोई चीज करनी है, अभी करनी है, कल करनी है, परसों करनी है, कभी भी करनी है, फिक्स योर सेल्फ एट दैट लेवल. अपने आप को, आप जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, आप अपने मुकाम को, अपने उस चीज को, अपने उस फीलिंग को, उसको फिक्स करिए. फिक्स करिए मतलब आप उसे समझिए, समझ के आप उसे उस मुकाम पे आप पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए हैं, तो वहां पे आप फिक्स रहिए. आप हवा हम बोलते ना कि हाँ उसने अचीवमेंट करी तो वो हवा में उड़ता जा रहा है या फिर वो बहुत ही अपने आप को, नहीं प्लीज नहीं. ये सब चीजों से हमें आगे जाने का एक मोटिव तो नहीं मिलता है, बट ये नेगेटिव में जाती है चीज. तो अपने आप को वहां पे फिक्स रखिए. नो, मैंने कुछ काम किया है तो वो मुझे मिला है, एंड मैं इससे भी ज्यादा अच्छा काम करूंगा तो वो मुझे पक्का मिलेगी. तो प्लीज फिक्स योर सेल्फ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. डोंट बी ओवर हाइपर्ड और लेवल अप पे मत कीजिए. अपने आप को फिक्स कीजिए, चीजों को समझिए एंड अपने सिचुएशन को समझ के काम करते रहिए. डोंट ओवर बॉदर इट, डोंट गेट हाइपर्ड. कुछ भी ज्यादा अचीवमेंट या कम अचीवमेंट कुछ नहीं होती है. सो अपने आप को उस जगह पे फिक्स कीजिए, काम करते रहिए, बी मूव ऑन एंड लेट द लाइफ गो विद द फ्लो ऑफ योर सक्सेस. ओके, सो नेक्स्ट, अब आप ये सब चीज कर रहे हैं, सो एट पॉइंट इज, व्हेनेवर यू आर डूइंग समथिंग, व्हेनेवर आप अपने आप के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने आप के लिए, अपने सक्सेस के लिए जो भी काम कर रहे हैं ना, उसके लिए अपने आप पे, खुद के ऊपर अटेंशन लीजिए. पे अटेंशन टू योर सेल्फ. अपने आप के ऊपर आप अगर अटेंशन देंगे, खुद के लिए देखेंगे, तो उसमें क्या होगा, आप खुद को जानेंगे कि आप क्या है, आप यहां तक कैसे पहुंचे, किस तरह से पहुंचे. खुद को जान लीजिए, आप में इतनी कैपेबिलिटीज थी, यू हैव डन इट, आपने ये सब किया है. तो एंड इसके लिए आपको खुद को और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए एंड ऐसे ही दूसरों को बढ़ाने के लिए आपको अपने आप पे अटेंशन पे करना है, अपने आप को ग्रूम अप करना है, अपने आप को बाकी चीजों में लेवल अप करना है, चीजों के साथ, सिचुएशंस के साथ बढ़ते जाना है एंड सब चीजों को अचीव करना है. तो दिस वॉज माई एट पॉइंट. मूविंग टू द नाइन्थ पॉइंट इज, डू नॉट मेक, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं बहाना बनाना. बहाना बनाना लाइक, ठीक है अभी मुझे इतना तो मिल गया, एक हाथ दिन नहीं किया तो क्या होता है. नहीं, एक्चुअली नहीं, एक हाथ दिन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है. एक हाथ दिन आपको 15 दिनों के लिए भी नुकसान पहुंचा सकता है. सो बहाना बनाना इज नॉट अ गुड थिंग. ठीक है आज मैंने काम नहीं किया तो चल जाएगा, नहीं काम मत करो, बट एटलीस्ट कुछ तो भी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, थोड़ा तो भी होना चाहिए. तो एक गोल पे जाने के बाद अपने आप को इतना हाई लेवल पे मत समझिए कि हाँ अब काम अपने आप होते रहेंगे एंड आई विल हैव द प्रॉफिट और मुझे तो कुछ करना नहीं है, बस मैं बैठ के सब अपने क्या बोलते हैं आम खाऊंगा, गुठलियों से मुझे कुछ लेना देना, मतलब ये मैं नॉर्मल बोल रही हूँ. तो नहीं, एक्चुअली ये नहीं है. बी प्रोडक्टिव एट ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ. उसमें कुछ तो भी आपको मिलेगा, कुछ तो भी करना पड़ेगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा अपने काम में एक मजा लाइए. मजा लाइए क्यों? बिकॉज ये क्या करेगा, आपके काम में बहुत अच्छा एक, मतलब एक अच्छे से एक एंजॉयमेंट लाएगा. हमेशा अपने काम को मजे से कीजिए. सो हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, हैव लाइक अपने कलीग से, अपने एम्प्लॉयज से अच्छे से बात कीजिए, कुछ हंसी मजाक करते हुए. आप बॉस है तो लाइक बॉसिंग ही करना चाहिए, ऐसा नहीं है. अच्छे से कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर में बोलिए, मजाक करिए एंड काम भी करिए. लाइक आप मजा मस्ती से अगर काम करेंगे तो यू विल हैव सक्सेस. आप सबको साथ में लेके काम करेंगे एंड इफ यू आर बॉसिंग टू एवरीवन, नोबडी विल वर्क विद यू. क्या होगा, अरे उसने बोला है ना तो करके दे दू. बट जब आप उनके साथ मिक्स्ड अप होंगे, उनके साथ मिक्स्ड होंगे, तो क्या होगा, यू विल बी लाइक अ फैमिली. मैं बोलूंगी ना फैमिली मीन्स हर एक चीज उनके साथ, नहीं, बिजनेस में या फिर जब आपके सक्सेस है, उस सक्सेस को लेने के लिए अगर आपको काम करना, तो हैव अ काइंड ऑफ अ फैमिली रिलेशनशिप जिसमें आप अच्छे से बात कर रहे हैं. हाँ गलतियां हो जाएंगी तो गलतियों के हिसाब से समझाइए, बट उसको एक लीनियंट वे में, अच्छे वे में बताइए और कम्प्लीट कीजिए.
So I think these 10 things are very, very, very much important for your success in your मतलब women's को बोलेंगे उनके entrepreneurship के लिए या फिर उनके business के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए, अगर कोई भी चीज हो, कोई भी product, productivity आपके अंदर है उसको बाहर निकाल लेंगे. तो these are the 10 basic and बहुत ही ज्यादा important rules हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छे से होने चाहिए. एंड अगर आपको ये 10 रूल्स पसंद आए होंगे तो प्लीज अप्लाई टू योर लाइफ एंड देखिए कितना फर्क पड़ता है. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक एंड कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके क्या रूल्स हैं सक्सेस के. आप में भी अगर कुछ रूल्स बनाते हैं तो वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए. एंड प्लीज आप अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक और हर जगह जहां पे आप ये शेयर कर सकते हैं. सो थैंक यू, लेट्स मीट अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो. बाय.